हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, काइना किचन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज और दही की सब्जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई सब्जी नहीं होती है, प्याज तो अमूमन हमारे घर में होती ही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं प्याज की और दही की सब्जी ट्राई करती हूँ। इसके लिए मैंने 6 छोटी छोटी प्याज ले ली है। इस प्याज को बीच से ऐसे कट करके, सभी प्याज को ऐसे कर लेना है, कट कर दे प्याज को ऐसे कट कर लेना है। प्याज को अलग बिल्कुल नहीं होने देना है, नीचे से जुड़ी रहे प्याज। ये देखिए मेरी प्याज मैंने कट कर ली है, 4 भागों में हो गई है। नीचे से जुड़ी रहनी चाहिए प्याज, पूरी अलग नहीं होनी चाहिए। ये मैंने तेल 1 चम्मच ले लिया था, इसको मैंने गर्म कर लिया है। खूब अच्छे से तेल गर्म हो जाना चाहिए। ये प्याज को हल्का ब्राउन होने तक मुझे भूनना है। ये देखिए प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब गैस की फ्लेम को एकदम धीमे कर देना है। अब मैं सबसे पहले डालूँगी मेथी के कुछ दाने, खड़ी धनिया। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखनी है। थोड़ी काली सरसों और थोड़ा सा कलौंजी, ये छौंका लगाने के लिए है। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक बार खाएंगे, आपका मन होगा कि बार बार बनाएं। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी। ये पूरा अच्छे से हो गया है, इसमें कड़ी पत्ता मैं डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली थी। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के उसको रख डाल सकते हैं। मैंने प्यूरी बना ली है। अब इसको तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से टमाटर भून न जाए, इसका खट्टापन ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे दही भी डालनी है। तो इसको मुझे लगातार गैस की फ्लेम मीडियम लो रखनी है, भूनते रहना है। ये देखिए टमाटर की प्यूरी अच्छे से अब भून गई है, टमाटर की प्यूरी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 ही चम्मच मैं भुना जीरा इसमें ऐड करूंगी। अब इन मसालों को मुझे भून लेना है। गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है। मसाले जब अच्छे से मेरे भुन जाएंगे, मसाले भुन जाते हैं तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने 3 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं 1/2 कटोरी दही ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम को एकदम धीमे रखना है, या तो गैस बंद भी कर सकते हैं और आप दही को बराबर चलाते रहना है, जिससे दही हमारी फटने ना पाए। ये देखिए दही भी मेरी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। ये देखिए प्याज मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो अगर ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है। और इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ये देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें खट्टी दही का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा, दही एकदम ताजी होनी चाहिए। ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट्स कर बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। I can't say you can get